बिग बॉस 15 में जब रश्मि और तेजस्वी एक साथ थे, उस दौरान इन दोनों की जो केमिस्ट्री देखने को मिली थी, उसके बाद नागिन में जब ये दोनों साथ आए तो लोगों को लग रहा था कि क्या इन दोनों की बनेगी, क्या इन दोनों के बीच में सेट पर राइवलरी, जिसे कि कैट फाइट का नाम दिया जाता है, वो देखने को मिलेगी। अब जो है एक खबर सामने आ रही है जहां पर रश्मि देसाई ने एक इंटरव्यू दिया है और इन सारी बातों का खुलासा किया है कि रश्मि के साथ उनका शूट कैसा रहा। नागिन 4 में भी थी और उसके बाद नागिन 6 में वो आई है, चिंगिस्तान की नागिन बनकर आई है, डबल रोल है उनका। वो कहती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा तेजस्वी के साथ मिलकर, तेजस्वी और मैं एक दूसरे को बिग बॉस में इतना नहीं जान पाए थे जितना हमने सेट पर एक दूसरे के साथ शूट करके जाना है। वो बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही मस्ती करती है सेट पर, और हमारा जो बिग बॉस का कनेक्शन था वो हमें बहुत हेल्प कर रहा है एक दूसरे को जानने में। तेजस्वी वाकई में जो सर्वश्रेष्ठ नागिन है वो बनकर बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इतना अच्छा करती है, बहुत ही इम्प्रेसिव जो है वो लगती है, तो मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा भी लगता है। तो इस तरह की बात जो है वो कही है रश्मि देसाई ने तेजस्वी को लेकर, बताया कि आखिरकार कैसी रही शूट और कैसा तेजस्वी के साथ सेट पर समय गुजरा। तो साफ साफ उन्होंने कहा कि उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, वो बहुत डेडिकेटेड है। एक बात तो तय है कि जो भी तेजस्वी के साथ काम करता है वो इस बात को ज़रूर मानता है कि तेजस्वी बहुत प्रोफेशनल डेडिकेटेड है और उनके साथ सेट पर शूट करने में बेहद मज़ा आता है। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।